ये लो भाजी, एक 30 वाली और दे देना, पार्सल है। ये भेलपूरी जो आप बना रहे हैं जी, तो ये इसकी तरकीब क्या हुआ? वैसे ही जैसे पहले पिछले वाले बना रहे थे वैसे ही है, आपकी अपनी अलग तरकीब? शुरू से ऐसे ही है। मसाले आपके अलग से हैं? कोई थोड़ा मसालों का फर्क होगा, मसालों का थोड़ा फर्क है। ये भेलपूरी है, और ये कितनी लेकर आते हैं आप? एक थाल आलू होता है, एक थाल चने का होता है। जनाब जब से रोड पे आने लगे हैं, छोटे थे जब से देख रहे हैं, टेस्ट इनका माशाल्लाह जो स्टार्ट से था वो आज दिन तक वही है, कोई चेंजिंग नहीं है इसमें, कोई माल में कोई दो नंबरी या कोई ऐसी वैसी कुछ भी नहीं है आज तक। शरबत डाल दी उसके बाद। बस ये कि कैसी लगती है? पहले बस बच्चे भी जाएंगे कैमरे में बात करते हैं। तकरीबन 30 साल हो गए। 30 साल हो गए ये इसी जगह पर हैं। और ये क्या किस कब आते हैं यहाँ पर? शाम को 6 बजे के बाद आते हैं। शाम को 6 बजे के बाद? 6 बजे से। और कब तक रहते हैं? 1 बजे। तो रश बहुत होता है आपके पास? खाली आलू पूरी। सुने लोग बहुत दूर दूर से आते हैं? हाँ, आप लोगों ने मशहूर किया यूट्यूब वाले। अच्छा, ये बनाते हैं किस तरह से? क्या क्या पूरा दिल लग जाता है आपको? दोपहर को 3 बजे हाथ बनाने बैठता हूँ, 6 बजे तक। अच्छा, ये सारा माल जो लगा हुआ है सारा का सारा? हाँ, क्या क्या होता है ये? सारा आइटम है, चने है, आलू है, चटनियाँ है, 3-4 किस्म की सेम है। और ये शरबत भी होता है आपके पास? मीठा शरबत है, मैंगो फ्लेवर। ये खट्टे आलू कैसे बनाते हैं आप? इसमें मसाले डले हुए, चाट मसाला है। और ये भेलपूरी है जी। अच्छा हरी भाई, ये बताएं पहले प्लेट कितने की थी जब आपने शुरू किया था, और आप कितने की है? पहले 60 रुपए की प्लेट। और आप कितने की है? अब 60 रुपए की। 60 रुपए की हो गई है? 7 रुपए से 60 रुपए की प्लेट हो गई है ये। कितने 30 साल में? 30 साल। ये जो है वो चने रखे हुए हैं, ये जो आलू हैं खट्टे आलू हैं, और ये इसकी है, बिक रही है। और 50 वाली, ये 30 वाली दे देंगे। अच्छा, कितने कितने की प्लेट होती हैं आपके यहाँ? प्लेट 60 रुपए की है, पार्सल 30 की भी है, 50 की भी है। ये खट्टे आलू की जो है लें अगर, या इसकी लें, मिक्स होती है ये क्या, अलग अलग भी होती है? कोई सी भी प्लेट लें 60 रुपए की, कोई सी भी प्लेट लें 60 रुपए की प्लेट है। खट्टे आलू जो है वो भेलपुरे के साथ भी मिलते हैं, और खट्टे आलू अलग से भी मिलते हैं, और ये चने भी जो है वो अलग से भी मिलते हैं। कैसी लगती है? ये फेमस बंदा है भाई, जब भी आया उसका मशहूर है अनिल के। कब से ये जमाने से है लोग? अच्छा, इसको भेलपुरी ही क्यों कहा जाता है? पापड़ी मुरमुरे ये सब मिक्स होता है, इसमें सब चीज़ें मिक्स होती हैं, इसलिए इसको भेलपूरी कहा जाता है। मैं आ तो जॉब से रहा हूँ, वैसे रहता मैं नागन चौरंगी पर हूँ, और अभी डिफेंस से आ रहा हूँ, और सिर्फ यहाँ से भेलपूरी खाने आया हूँ मैं। हाँ जी,
Thank you.